भारत की लोक गाथाओं में है कि सुकरात की शिष्य परंपरा के मनीषी अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को भारत से गीता ज्ञानी गुरु लाने का निर्देश दिया था। गीता के ही एक ईश्वरवाद को विश्व की विविध भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी महात्माओं ने फैलाया। भाषांतर होने से ये पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु सिद्धांत गीता के ही है। अतः गीता मानव मात्र का अतर्क्य धर्मशास्त्र है। गीता का आशय यथार्थ गीता के रूप में प्रस्तुत कर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने मानव मात्र को एक अमूल्य निधि दी है, जिसका कैसेट रूपांतर श्री जीतन भाई के सौजन्य से हुआ है। गीता के दसियों हजार अनुवादों के बीच दैदीप्यमान इस व्याख्या के आलोक में आप सब परम श्रेय के साधक बने। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्याय। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियों, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। श्री भगवान वाच। अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है, वो है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना, जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है। उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूं, केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही न करे, करने योग्य क्रिया विशेष न करे, तो वो न सन्यासी है न योगी। इस पर और देखें। यम सन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पांडव नैह सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है, तब तो सरल है कि कह दे कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं है।
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वो परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में शमः कारणम उच्यते, संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। और यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त है, योग की परिपक्ववावस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके ढूंढने किसे, अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए वो कर्मों में भी आसक्त नहीं है। उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का अभाव है, वही सन्यास है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है, इस योगारूढ़ता से लाभ क्या है? उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि वो जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। कब ये शत्रु होता है और कब मित्र, इस पर कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उसके लिए उसी का जीवात्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वो स्वयं शत्रुता में बरतता है। इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में न पहुंचाएं, क्योंकि आत्मा ही मित्र है। सृष्टि में न दूसरा कोई शत्रु है न मित्र। किस प्रकार? जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है, परम कल्याण करने वाला होता है, और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रु में बरतता है, नीच योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। प्रायः लोग कहते हैं मैं तो आत्मा हूं। गीता में लिखा है न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, ये नित्य है, अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और वो आत्मा मुझ में है ही। वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया बताई गई है। अब अनुकूल आत्मा के लक्षण देखें। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं,
ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव स्थित है, कभी विलग नहीं होता। जितात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वृत्ति परम शांति में प्रवाहित हो गई है, यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है। आगे कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। ये योग की पराकाष्ठा है, जिसे योगेश्वर पांचवें अध्याय में श्लोक 7-12 तक अभिचित्रित कराए हैं। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। एक इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है, तब तक वो अज्ञानी है। वो प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन करता है, कैसे वो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। उस प्रेरक इष्ट की कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जब से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वो निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता। पराकाष्ठा काल में ही योगी उनकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है, यही समझ विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होता है। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय कुत्ता हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। उसी का पूरक ये श्लोक है। वो हृदय से सहायता करने वाले सहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेषी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अतिश्रेष्ठ है। वो उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है। इन सब में वो केवल इतना अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वो क्षमता सब में है। यहां योग युक्त के लक्षण पुनः दोहराए गए। कोई योग युक्त कैसे बनता है, वो कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, आहार विहार, सोने जागने का संयम तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो, इत्यादि बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले 5 श्लोकों में प्रकाश डाला, जिससे आप भी उस यज्ञ को संपन्न कर सके। अध्याय 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है। अध्याय 4 में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बताया, जिसमें प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, प्राण अपान की गति रोककर मन का निरोध इत्यादि किया जाता है। सब मिलाकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ है आराधना, तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया, जिस पर 5वें अध्याय में भी कहा, किंतु उसके लिए आसन, भूमि, करने की विधि इत्यादि का चित्रण शेष था। उसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण यहां प्रकाश डालते हैं।
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को आत्मोपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे। उसके लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा रहे? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल, वस्त्र अथवा इससे उत्तरोत्तर रेशमी ऊनी तख्त कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करें। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसके झाड़ने बुहारने सफाई करने से। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृगछाल हो या चटाई अथवा कोई भी वस्त्र तख्त जो भी उपलब्ध हो, कोई एक वस्तु बिछा लेना चाहिए। आसन हिलने डुलने वाला ना हो, न जमीन से बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा। पूज्य महाराज जी लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया। महाराज जी एक दिन तो बैठे, फिर बोले, नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गया। ऊंचे नहीं बैठे के चाही साधु के, अभिमान हो ही जावा करत है। नीचे हूं ना बैठे के चाही, हीनता आवत है, अपने से घृणा आवत है। बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था वहां रखवा दिया। वहां न कभी महाराज जाते थे और न अब ही कोई जाता है। ये था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण। इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ बैठेगा। इसके पश्चात तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जा योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर ही ध्यान करने का विधान है। मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगा अभ्यास करें। अब बैठने का तरीका बताते हैं। समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। शरीर, गर्दन और शिर को सीधा, अचल, स्थिर करके, जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो, इस प्रकार सीधा दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर, नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहां दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रहे, दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे और प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, प्रायः लोग कहते हैं कि जननेन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुषों की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके, आंखों से वैसे दृश्य देखकर, त्वचा से स्पर्श कर, कानों से विषयोत्तेजक शब्द सुनकर जननेन्द्रिय संयम संभव नहीं है।
ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरति सब ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया, जिसे करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। इसे करते समय स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रश्वास में, ध्यान में लगाना है। मन ब्रह्म में लगा है तो बाह्य स्मरण कौन करे? यदि बाह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहां? विकार शरीर पर नहीं, मन की तरंगों में रहता है। मन ब्रह्माचरण में लगा है तो जननेन्द्रिय संयम ही नहीं, सकलेन्द्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए मुझ में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर स्थित हो। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाए। यहां यह प्रश्न पूर्ण प्राय है। अगले दो श्लोकों में वे बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम, युक्ताहार, विहार भी आवश्यक है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तब किसका सिद्ध होता है? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला ये योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। अधिक भोजन करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद घेरेंगे, तब साधना नहीं होगी। भोजन छोड़ देने से इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, अचल स्थिर बैठने की क्षमता नहीं रहेगी। पूज्य महाराज जी कहते थे कि खुराक से डेढ़ दो रोटी कम खाना चाहिए। विहार अर्थात साधन के अनुकूल विचरण, कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए, कोई कार्य ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा रक्त संचार शिथिल पड़ जाएगा, रोग घेर लेंगे। सोना और जागना आयु, आहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है। महाराज जी कहा करते थे योगी को चार घंटे सोना चाहिए और अनवरत चिंतन में लगे रहना चाहिए। हट करके न सोने वाले शीघ्र पागल हो जाते हैं। कर्मों में उपयुक्त चेष्टा भी हो अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो। बाह्य विषयों का स्मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है। साथ ही यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, विलीन सा हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है।
अब विशेष जीते हुए चित्त के लक्षण क्या है? यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर जाती है, उसमें कंपन नहीं होता, यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है। दीपक तो उदाहरण मात्र है। आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पड़ रहा है। अगरबत्ती ही जलाने पर धुआं सीधे ऊपर जाता है, यदि वायु में वेग ना हो। ये योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है। अभी चित्त भले ही जीता गया है, निरोध हो गया है, किंतु अभी चित्त है। जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, तब कौन सी विभूति मिलती है? देखें। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से, बिना अभ्यास के कभी निरोध नहीं होगा, अतः योग अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है, विलय हो जाता है, मिट जाता है। उस अवस्था में आत्मना, अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मानम, परमात्मा को देखता हुआ, आत्मनि एव, अपने आत्मा में ही संतुष्ट, अपनी ही आत्मा से होता है। क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण वो अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरीय विभूतियों से ओतप्रोत पाता है। ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। तो इधर आत्मा भी अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। है तो, किंतु अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, तब तक वो आपके उपभोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त के विलय काल में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उन्हीं ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त ही अपने आत्मा को पाता है। इसलिए वो अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है। यही उसका स्वरूप है, यही पराकाष्ठा है। इसी का पूरक अगला श्लोक देखें। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है। तथा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मांगता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उसे भान भी नहीं होता, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया। इस प्रकार तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम
सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो आत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है। वो योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रमशः विलय हो जाए, तदनंतर वो धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। निरंतर लग कर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं। इस पर योगेश्वर कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बारंबार अंतरात्मा में ही निरोध करे। प्रायः लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो, प्रकृति में ही तो जाएगा और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहां जहां जाए, जिन माध्यम से जाए, उन्हीं माध्यम से रोक कर परमात्मा में ही लगावे। मन का निरोध संभव है, इस निरोध का परिणाम क्या होगा? प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म से एक ही भूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वो ब्रह्म संस्पर्श अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। इसी पर आगे कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। इस प्रकार देखने से लाभ क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये प्रेरक का आमने सामने मिलन है, सख्य भाव है, सामीप्य मुक्ति है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष अनेकता से परे उपर्युक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, वो योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं, उसका तो सब मिट गया, इसलिए वो अब उठता बैठता जो कुछ भी करता है मेरे संकल्प से करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपने जैसा देखता है, सुख और दुख भी सब में समान देखता है, वो योगी जिसका भेदभाव समाप्त हो गया है, परम श्रेष्ठ माना गया है, प्रश्न पूरा हुआ। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच। योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, ये योग जो आप पहले बता आए हैं, जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात दूसरे को मत डालने वाला हठी तथा बलवान है, इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच।
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन निःसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु कौन्तेय यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहां चित्त को लगाना है वहां स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है, तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में संसार या स्वर्गादि के भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये वश में हो जाता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन, मन को वश में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है, ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो, प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, यद्यपि अभी योग में उसको श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को पाता है? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। महाबाहु श्री कृष्ण, भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वो मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं होता? छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वो न बरस पाती है न लौटकर मेघों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। उसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता? वो न आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही भोग पाया, उसकी कौन सी गति होती है? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नह्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। श्री भगवान उवाच। पार्थ नैवेह नामुत्र
विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात, उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका होता क्या है? प्राप्य पुण्य कृतां लोकां उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहि योग भ्रष्टो भिजायते। मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वो पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर, जिन वासनाओं को लेकर वो योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं। उन्हें भोग कर वो शुचि नाम श्रीमताम शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वहां जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वो प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहां जन्म न हो पाने पर वो योगियों के कुल में, घर में नहीं शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सद्गुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहां जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भी भले ही पिता मानते रहें, किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं, वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया। बहुत लोग हट करने लगे तो उन्हें अपशकुन हो, भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने के एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, ये पार नहीं होगा, निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी। किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहां नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहूं के बड़ा विकल है, लेकिन ये सोचते है कि सचहूं के मरी जाए तो रख ही लेते, एक ठो पतिता राहत और का हो। ममत्व उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को जिनके लिए आदेश हुआ था कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है, जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है, इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ, केवल उन्हीं को रखा। आज भी उनमें से एक महापुरुष धार कुंडी में बैठे हैं, एक अनुसुईया में है, 2-3 अन्यत्र भी हैं। उन्हें सद्गुरु के कुल में प्रवेश मिला। ऐसे महापुरुषों को पा जाना अति दुर्लभ है।
तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। वहां वो पुरुष पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वो फिर संसिद्धौ भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते। श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वो पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाता है और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वो जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम्। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम है, पहले शिथिल प्रयत्न से ये योग आरंभ होता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि इस योग में बीज का नाश नहीं होता, आप दो कदम चल भर दें उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों में घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हो, गोरे हो अथवा कहीं के हो, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है, बशर्ते आप मनुष्य हो। उत्कट प्रयत्न वाला चाहे जो हो किंतु शिथिल प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ विरक्त शिक्षित अशिक्षित सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए, किसी साधु नामक विचित्र प्राणी के लिए ही नहीं। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है, कर्मी केवल कर्म जानकर कर्ता भर है। ये गिर भी सकते हैं क्योंकि न इन दोनों में समर्पण है और न अपना हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है और निष्काम कर्म योगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वो इष्ट संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं, किंतु जिसका भार वो इष्ट संभालता है वो इन सब में श्रेष्ठ है क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है, उसका हानि लाभ वो प्रभु देखता है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन,
समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण निष्काम कर्म योगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, इससे समाज भले ही अनुकूल हो किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है, वो अंतःकरण से होता है, उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म करे और करते करते योगारूढ़ हो जाने पर सर्व संकल्पों का अभाव होता है, इसके पूर्व नहीं। सर्व संकल्पों का अभाव ही सन्यास है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन, समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे अभ्यास योगो नाम षष्ठो अध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का छठा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।